हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस, जो कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। इसके साथ साथ मैं यहाँ क्वेश्चंस आप बता रहा हूँ। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इन मेड। देखिए यहाँ पर जो इसके लेंथ दिए गए हैं वो है 1.5 मीटर। दूसरा आप जो देखिए इसके ब्रेथ दिया गया है वो 1.25 मीटर, और इस जो इसके हाइट दिया गया है, डीप होना या हाइट होना क्या होगा, वो सेम होगा, 65 सेंटीमीटर है। और जैसे ही आप इसको क्या होगे, सभी की यूनिट आपके पास सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, जबकि हाइट जो दिया गया है उसका सेंटीमीटर में दिया गया है। और आपको पता है कि जब तक आप किसी भी एरिया निकाल रहे हों या वॉल्यूम निकाल रहे हों, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जब तक सेम यूनिट नहीं होगा हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड जब इसको करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, जो आएगा कितना, 0.65 मीटर। कह रहा है इट इज़ ओपन एट द टॉप, यानी जब बॉक्स बनता है, बॉक्स बनने पे क्या होता है, ऊपर खुला हुआ है, यानी यही बातें हुई कि छत तो हैं, छत तो नहीं है और दीवार है, छत ही नहीं है और दीवार और फ्लोर है, तो ये आपका बना रहा है। और उसके साथ साथ कह रहा है कि इग्नोर इन द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, यानी वो प्लास्टिक शीट कितना मोटा बना है, लिया गया है, इसको आपको इग्नोर करना है। तो पहला आपको निकालना है, इसमें फर्स्ट पॉइंटेड करके लिखा है द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। यहां देखिएगा कितना हमें इस बॉक्स को बनाने के लिए सीट की ज़रूरत है, उसका एरिया मुझे बताना है। तो यानी कि बॉक्स कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं कि चार दीवाली दी गई है और नीचे फ्लोर भी तो बनाएंगे उसका कि नहीं बनाएंगे, हाँ बिल्कुल बनाएंगे, ओपन की ओर हमें रखना है, ऊपर की तरफ। तो यानी क्या होगा, इसका एरिया ऑफ लिखेंगे रिक्वायर्ड सीट, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, वो चार दीवालों का जो क्षेत्रफल है वो, यानी क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ वॉल्स हो जाएंगे प्लस इसके साथ साथ एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक ये हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ वॉल्स जो होते हैं 2 × L + B × H, और एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा वो क्या होगा, L × B। 2 यहां पर वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे, जो लेंथ दिया गया है वो 1.5 मीटर है, यहाँ मीटर नहीं रखते हैं, लास्ट में इसकी यूनिट को हम लगा देंगे, क्योंकि पता है कि जब एरिया निकालते हैं तो एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर या मीटर पर हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर मीटर जो यूनिट होता है उसका लिया जाता है। ये होगा 1.25 और ये 0.65 प्लस यहाँ पे 1.5 × 1.25 और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, हम दोनों को यहाँ ऐड करते हैं तो देखिएगा ये एक्चुअल में हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि ये क्या होनी चाहिए, जुड़ तभी सकते हैं जब लाइक टर्म है, तो यहाँ जीरो आप बढ़ा लीजिए अपने मन से ही, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो आप देखिए ये पहले इंटीग्रल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है, तो 2.75 × 0.65 प्लस 1.5 × 1.25 मीटर स्क्वायर। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा लास्ट में कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 15 × 5 जो होता है वो कितना होता है, 75, 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे 7 आ जाएगा, 15 × 2 = 30, 7 × 37 आपके पास 3, और 15 × 1 = 15 और 3 = 18। इसके बाद आप देखिए एक पॉइंट यहाँ से, दो पॉइंट यहाँ से डेसिमल में, डेसिमल में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक पॉइंट यहाँ से लेंगे और डबल पॉइंट यहाँ से लेंगे, तो टोटल कितना होगा, 3 पॉइंट हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे 2.75 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए ईजी बन जाएगा। 65 × 2 जो होता है वो 130 होता है, और आपको पता है कि लास्ट में अगर जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉइंट के बाद में डेसिमल से हटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और इसमें जोड़ना मुझे कितना है, 1.875 मीटर स्क्वायर। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 13 × 5 =
थर्टीन फाइव जो होगा वो 65 होगा, 6 लिखेंगे 5 आ जाएगा, और 13 सेवन जा 91, ये ऐड करेंगे 97, 9 आ जाएगा, 13 टू जा 26, 26 में ऐड करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा 35, 2 पॉइंट यहाँ से 1 पॉइंट यहाँ से, कितने 3 पॉइंट्स यहाँ से हो जाएंगे, और जबकि आपके पास यहाँ से जो मल्टीप्लाई करके रखा है वो इतना लिख दिया जाएगा, ऐड करेंगे 5 और 5 जो होगा वो 10 हो जाएगा, 7 और 7 14 होगा, लेकिन कैरी जो आया था वो 15 होगा, 5 और 8 13, कैरी आपने जो रखा था वो 14 आ जाएगा आपका, 3 और 1 4, और कैरी आपका जो होगा वो 5 होगा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब अगर चाहें तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा इग्नोर, यानी कि 5.45, क्योंकि पता है कि पॉइंट के बाद में अगर जीरो आते हैं तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब एरिया तो आपको निकल गया, दूसरा इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। देखिए कॉस्ट लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सीट कितना रुपए है, 20 रुपए है, और अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कितने का 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ सीट इज इक्वल टू, क्या काम करेंगे, रुपए 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.45 से, ठीक है। देखिए 20 से मल्टीप्लाई करने पर ये 5 जा जाएगा तो 100 होगा, 10 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो कितना हो जाएगा, 4 टू 80 हो जाएगा, ऐड करेंगे 90, 0 लिखा जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा तो कितना हो जाएगा 109, पॉइंट लगाएंगे। दो डिजिट है हमारे पास पॉइंट से, डिजिट जो है वो पॉइंट के बाद में है तो पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद में सिर्फ जीरोज हैं, इसको क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, तो आपके पास आंसर जो मिलेंगे वो 109 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आप देखें, द लेंथ ब्रेथ और हाइट आपकी स्क्रीन पे है, जो यहाँ पर दिया गया है लेंथ इसका वो 5 मीटर है, जबकि ब्रेथ जो दिया गया है वो 4 मीटर है, और हाइट जो दिया गया है वो 3 मीटर है। कह रहा है कि वाइट वॉशिंग करवाना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड सीलिंग। हमें पता है कि वाइट वॉशिंग जो होती है, हम लोग जानते ही हैं कि वाइट वॉशिंग चारों दीवारों की और सीलिंग की होती है, फ्लोर की होती नहीं है। तो स्टूडेंट लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, जो मुझे एरिया का काम है, रिक्वायर्ड एरिया, वो रिक्वायर्ड एरिया क्या होने वाला है, फिर से वही चीज़, चारों दीवार और सीलिंग, यहाँ फ्लोर को छोड़ करके सीलिंग की इस बार होगी, क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक। तो जो लिखा जाएगा वो 2 × LB + H, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में जब हम लोग सीलिंग को ऐड करेंगे जो कि किस क्या होगा LB हो जाएगा, 2, L की वैल्यू यहाँ पर 5 है जबकि B की वैल्यू आप 4 देख रहे हैं, H आपका 3 है, प्लस L की वैल्यू आपको दिख रही है कितना 5 और B की वैल्यू 4, यहाँ से हम देखेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 5 कितना होता है 9 × 3, प्लस यहाँ से कितना मिलेगा, एरिया निकालना है तो मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, लास्ट में मीटर स्क्वायर सभी के लिए रखेंगे ही, मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 3 = 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 प्लस 20 मीटर स्क्वायर, इट मींस 74 मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि वाइट वॉशिंग के लिए जो है उसका रेट दिया गया है, क्या लिखे हैं, द कॉस्ट ऑफ कितना खर्च करना है टोटल, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग वो कितना दिया गया है इज इक्वल टू 7.50। अब द कॉस्ट ऑफ कितने का पूछ रहा है, 74 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग, क्या काम करेंगे 7.50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 74 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 को 74 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 4 से 28 आएगा, ऐड करेंगे कैरी तो 30 आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 49 थ्री 52 0555, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर जो आ रहा है वो इतना आ रहा है, जबकि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर जीरो नहीं लिया था, अगर जीरो भी ले लेते ठीक है तो पीछे जीरो लगाना मुझे पड़ जाता, तो ये तो बातें अलग हुई कि जीरो लगाना बाद में हो जा रहा है ठीक है। अभी यहाँ इसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये जीरो बच गया था लगा दिया गया, दो पॉइंट लगे हैं दो पॉइंट लगा दीजिए ठीक है, दो डिजिट से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा पॉइंट लगाना पड़ेगा, लगा दिया, कितना आंसर आपको दिख रहा है 555। ओके स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अलग क्या हुआ है और क्या करना है। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द फोर वॉल्स एट द रेट रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज 1500, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। एक कमरा है और कह रहा है कि कमरे की जो है रेक्टेंगुलर हॉल है वो उसका पेरीमीटर 250 दिया गया है, अगर मुझे पेंटिंग उसके चार दीवार करवानी है, यानी दीवारों की सिर्फ पेंटिंग करवानी है, जब हॉल दिया गया है उसकी कुछ रेक्टेंगुलर हॉल है पेरीमीटर दिया गया है, यानी रेक्टेंगल फेस का पेरीमीटर दिया गया है, जबकि हाइट जो दिया इसमें पूछ रहा है और कह रहा है कि अगर उसके सिर्फ दीवारों का मुझे क्या निकालना हो, कितना खर्चा हो रहा है पेंटिंग में कितना होगा, तो हाइट क्या है इसकी ये नहीं दिया गया है। और जबकि हम जानते हैं कि अगर हम मुझे फोर वॉल्स हैं तो फोर वॉल्स में मुझे हाइट का काम होता है, क्या होता है एरिया, आपको पता है कि अगर एरिया ऑफ फोर वॉल्स हमने देखा, फोर वॉल्स जो जानते हैं क्या होता है 2 × L + B × H ये होता है एरिया ठीक है। लेकिन यहाँ पर इससे कुछ काम करने के लिए उन्होंने रेक्टेंगुलर उस हॉल की जो पेरीमीटर दिया गया है, यानी जो हॉल है उस हॉल का पेरीमीटर दिया गया है, वो फेस रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर कितना है 250। देखिए पेरीमीटर जो दिया गया है वो कितना है 250 मीटर, और हम जानते हैं पेरीमीटर मतलब क्या, 2L और + D, 2 × L + D = 250 ठीक है इतना। फिर इसके बाद में कुछ कॉस्ट दिया गया है, अगर एक मीटर का एरिया निकालते हैं तो इतना आ जाता है, और जबकि अगर इन्होंने टोटल एरिया यहाँ दिया गया है ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर इसकी हम वैल्यू रख देते हैं ठीक है, फोर वॉल्स का अगर हम एरिया निकालते हैं तो ये 250 इस पूरे के स्थान पर आ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये पेरीमीटर दिया गया है और आप जानते हैं इस फार्मूले में रखा जा सकता है, ये यहाँ पर एच हो जाएगा और ये क्या निकल के आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट जो इसका है वो मीटर स्क्वायर होगा। कह रहे हैं कि ये हमने इस वॉल की एरिया निकाल लिया और इसकी जो कॉस्टिंग है जो पैसा खर्च हो रहा है, देखिए द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो पेंटिंग है ठीक है, जो इतने 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का दाम है वो कितना है ₹10। और हम यहाँ बात कर रहे हैं द कॉस्ट ऑफ कितना भैया एरिया मुझे जो मिला है वो 250 H इसकी पेंटिंग की जो मिली है ठीक है, यानी इतना अगर पेंटिंग जो इसका एरिया निकालेंगे वो मुझे कितना हो रहा है, वो पूरा पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, वो पूरा पैसा जो हमारा होगा ₹10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 × H से। और आप देखें इस पूरे कॉस्टिंग में जो इतने पार्ट में खर्चा जो हो रहा है वो कितना, उन्होंने जो दीवार बनाया पेंटिंग करवाई उस पेंटिंग करवाने में उन्होंने ₹15,000 खर्च कर दिया, 15,000 खर्च कर दिया, इट मीन्स ये सभी जो इक्वल होगा वो किसके 15,000 के इक्वल हो जाएगा ठीक, 15,000 के, यानी हम वही बात कर रहे हैं ठीक है, हम बात वही कर रहे हैं कि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसा तो कट जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 H = 15,000, देन H इज इक्वल टू 15,000 upon 200 2500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 25 × 25 और 25 6 तो H जो हमारा होगा कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा ठीक है, H जो हमारा होगा वो 6 मीटर आ जाएगा, समझ गए। सबसे पहले पेरीमीटर 250 दिया था, निकाल लिया गया, उसके फार्मूले के रूप में डिनोट कर लिया गया
एरिया अगर फोर वॉल्स का निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, 2 × 12 + V × H, ये होता है। और इस पूरे के स्थान पे यहाँ 250 रख दिया गया, H की वैल्यू नहीं दी गई है, सामने रख दिया गया। एक मीटर के दाम 10 रुपये है और 250 का निकालना है तो 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि पूरा खर्च करते हैं कितना, 15,000 होते हैं। और इस तरीके से हम उसकी वैल्यू को रख करके और यहाँ कैंसिल आउट करके इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर, समझ पाए स्टूडेंट? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। बाय एंड टेक केयर।